ये जैसे आप कर सकते हो और ये आपका मार्कर है, कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ से मल्टी टच चल सकता है आपका, यहाँ पे आप जो शेप बना सकते हो, ठीक है। और आप उनके कलर फिल करके बनानी है तो कलर फिल करके बना सकते हो, जो भी आपको शेप लेनी है उसे ले सकते हो। यहाँ से आपके लेजर है, रेज कर देगा, आप स्क्रीन को पूरी को क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आप और इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ये आपके टूल्स हैं, रूलर्स यहाँ से आप बता सकते हो कि आपका ये टूल लेना है आपने, और चीज़ें कर सकते हो यहाँ से रूलर्स से सारे। फिर उसके बाद आप यहाँ से विजुलाइजर ऑन कर सकते हो। विजुलाइजर की ऑप्शन ये होती है कि अगर आप कैमरा लगा के किसी एक चीज़ को देखते हो उसमें, तो उसको स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज किया जा सकता है। वो एक ऐड ऑन फीचर होता है, वो आप ले सकते हो आगे जाके। फिर एक कैनवस है जिसमें स्प्लिट मोड पर चल जाता है, दो दो तरफ आप अलग अलग काम कर सकते हो, तो स्क्रीन पर जाती है स्प्लिट मोड। तो दोनों में अलग अलग नॉर्मली क्या होता है, किसी ने इमेज बनाना था तो प्रेजेंटेशन में एक इमेज है उसको एक्सप्लेन करना है, तो इधर इमेज है और उधर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दोनों तरफ अलग अलग पेन है और अलग अलग रेजर है।